की स्ट्रीम है कुन फाया कुन। एक गाना मैंने सुना जिसमें कुन फाया कुन बोल रहा था, वो इंडियन गाना है, अंब का पता नहीं है उसको, गाना बना दिया है। यार तुम लोग कम से कम देखो तो सही, ये कुन फाया कुन है क्या है? गल्ला करन आ जाते हो सारे दे सारे हैं, गाने बना दियो कुन फाया कुन ते, इस्लाम दी प्रचार करन दे कुन फाया कुन, कुन फाया कुन। अबे है क्या कुन फाया कुन? अंब दा पता नहीं है, गाने बनाते यार क्या है यार, मुझे समझ नहीं आती ये सारी हरकतें। लेकिन बहरहाल आज हम ये सारी बातों को देखेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। प्राउड काफिर जी वेलकम, हमारे पास यकूब साहब ही हैं वेलकम, मनु भाव भाई हैं, पता नहीं मैन भोम यार ये क्या नाम है इनका, मैन भोम दैट्स अ गुड नेम। ट्रुथ सीकर जी वेलकम जी एवरीवन, सैमुअल जी वेलकम वेलकम वेलकम, एंड वी हैव सो मेनी अदर पीपल, वी हैव रीत साहब वेलकम, हजरत आयशा हमारे साथ पहले ही स्ट्रीम में जुड़ चुकी हैं, वेलकम हजरत आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आई। SSG भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनुष्य इंडिया, ये क्या है मनुष्य इंडिया, यस मनुष्य, मधु दीदी के चैनल पे मैं अभी था, ये उनके चैनल का नाम है मनुष्य इंडिया, मैंने इसी वजह से आज अपनी लाइव स्ट्रीम को थोड़ा सा डिले किया था। इनके चैनल पे आज हम शरिया के ऊपर बात कर रहे थे, ये इंडिया में जर्नलिस्ट हैं और ये इन्होंने मुझे इन्वाइट किया था शरिया के बारे में बताने के लिए, ये आज की लाइव स्ट्रीम है ऑलरेडी। तो जिन जिन लोगों ने शरिया को समझना है वो इस वीडियो को जरूर देखें, शरिया है क्या, कहाँ से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है और व्हाट इज शरिया, तो इसके ऊपर इस चैनल के ऊपर मैंने आज गपशप की है। पहली गपशप इसका पार्ट टू कल 8 बजे इंडिया टाइम पे इसका पार्ट टू होगा, जहाँ पे हम मजीद शरिया को एक्सपैंड करेंगे। तो शरिया छुपी हुई चीज है, क्यों? क्योंकि शरिया पढ़ नहीं सकते हैं, आपको दिखाया नहीं जा सकता, शरिया इस्लामिया दिखाया जाने की चीज नहीं है, इसके ऊपर भी सिन है। ये मैं आपको नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर बताऊंगा कि शरिया क्यों नॉन मुस्लिमों से छुपाया जाएगा। सो ये कल की लाइव स्ट्रीम 8 बजे हम वहां पे दोबारा होंगे। एक बार फिर हमारे पास उमर शहजाद साहब आए हुए हैं, जेम्स बॉन्ड 007 जी आए हुए हैं जी, वेलकम, सॉरी सब लोगों का जिनको आज वेट करना पड़ा मेरी स्ट्रीम के लिए, लेकिन वहां पे जरा मुझे डिले हो गई थी। तो टी रैक्स साहब आए हुए हैं, क्राइस्ट इज आवर लाइफ, थैंक यू सो वेरी मच, जय मसीदी अरम भाई जी, जय मसीदी माई फ्रेंड, वीर राजपूत जी एंड एवरीवन एल्स, सराते मुस्तकीम ने हमें $5 का सुपर चैट देते हुए कहा है, सलामुल मसीह ब्रदर एडम एंड टीम, थैंक यू सो वेरी मच, सलामुल मसीह टू यू एज वेल। पीके साहब आए हुए हैं, वो एडम एडम कर रहे हैं, वेलकम जी वेलकम, थैंक यू सो वेरी मच। अगर जिन जिन के नाम मैंने नहीं लिए, अगर मैं सिर्फ नाम लेता रहूँ तो काफी देर हमें यहाँ पे ही लग जाएगी, सो जिन जिनों के नाम नहीं ले सका उनके लिए माजरत, मैंने जल्दी जल्दी चंद एक नाम लिए हैं। तो वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड थैंक यू। तो जनाब आज की लाइव स्ट्रीम का आगाज करते हैं हम कुरान से, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी, कुरान, तो कुरान जनाब हमें क्या बोलता है जरा वो देखते हैं। कुरान बोलता है सूरह यासीन की आयत नंबर 82 में, 82 के अंदर ये हमें बोलता है, कुन फयकून कुन फयकून कुन फयकून कुन फयकून। अल्लाह ने जब भी कोई चीज करनी होती है तो वो कहता है बी एंड इट इज, कुन फयकून बी एंड इट इज। लेकिन कुरान में कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह ने बी एंड इट इज से की हो, ये हम आज देखेंगे। सवाल मेरा फिर से यही है, कुरान में ऐसी कौन सी चीज है जो अल्लाह ने बी एंड इट इज से की हो, ठीक है। हम देखते हैं जब कुरान को तो हमें कुन फयकून मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर नजर आता है, ठीक है,
और इन मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर जब हमें नजर आता है तो फिर हम कहते हैं कि यार लेट्स फाइंड कि अल्लाह मियां ने बी एन इट इज कहां कहां किया। ठीक है, मैं कुछ आयतें आपके सामने पढ़ने लगा हूं, 71 से लेके 76 चैप्टर नंबर 38 की कुछ आयात। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है, तो वो शायद बी एन इट इज से पैदा किया हो, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला शख्स तो आदम बनाया, मैं एडम, यू नो एडम। When your Lord said to the angels, indeed, I'm going to create a human being from clay. जब मैं क्ले से, मट्टी से बनाने लगा हूं आदम को, एडम, एडम को, मी, 90 फुट टाल बनाया था मेरे को, किसी को अगर पता नहीं है तो चले वो कभी और देखेंगे किस दिन बनाया, किस तरह बनाया। अंब बनाया, देखते हैं अंब क्या बनाया इन्होंने। तो जनाब अल्लाह मियां वाला एडम, मेरा वाला एडम नहीं, मैं अंब नहीं, वो वाला एडम अंब है जो अल्लाह मियां ने शुरू में बनाया था। मोमिनों के लिए, ये जनाब स्ट्रीम का लिंक लाइव स्ट्रीम में है, आपको पता है हम ओपन लाइव स्ट्रीम करते हैं, मोमिनों के लिए, नॉन मोमिनों के लिए नहीं, नॉन मोमिनों को बाद में इजाजत देंगे हमेशा की तरह, बाद में, ठीक है जी। तो जो अल्लाह मियां ने ये 90 फुट टॉल आदम बनाया, मैं तो 90 फुट टॉल नहीं हूं ना यार, मैं तो छोटा सा ही हूँ, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनाया, मट्टी से बनाया, ठीक है। अब वो कौन सी मट्टी से बनाया वो अभी आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे, ठीक है यार, इतनी ट्रांसलेशन क्यों खुल गई है, चलो खैर। जब कहा आपके रब ने फरिश्तों से, मैं बनाने वाला हूं बशर को मट्टी से, तो व्हेन आई हैव प्रोपोर्शनड हिम एंड ब्रीदेड इनटू हिम माय सोल देन फॉल डाउन इन प्रोस्ट्रेशन, तो ए फरिश्तो मैंने इसे बना लिया पूरी तरीके से, दुरुस्त कर लिया है, दुरुस्त कर लिया है अपनी रूप हूं। अब दुरुस्त कैसे किया अल्लाह ने, ये हम देखेंगे। देखें अल्लाह कुरान में ही बताता है कि उसने मट्टी पकड़ी, मट्टी पकड़ के आदम का पुतला बनाया, और उस पुतले से फरिश्तों को कहा इस पुतले के सामने सजदा करो। सबसे पहला शिर्क अल्लाह मियां ने खुद किया, सबसे पहला शिर्क जो मुस्लिमीन बार बार बोलते हैं ना, शिर्क इस्लाम में, शिर्क नहीं इस्लाम में, शिर्क नहीं इस्लाम में, शिर्क नहीं, अमा भाई सबसे पहला शिरक तो तुम्हारा अल्लाह कर रहा है, सबसे पहला शिरक तो अल्लाह मियां खुद कर रहे हैं। और क्या शिरक कर रहे हैं, एक पुतला बनाया, एक बुत बनाया, और बुत बनाने के बाद तमाम फरिश्तों को कहा भाईजान इस बुत के सामने पोस्ट्रेट कर लो, पोस्ट्रेट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहला मुशरिक कौन है, अल्लाह। अगर अल्लाह सबसे पहला मुशरिक है तो तुम अल्लाह सर किसी को माफ कर सकता है, मुशरिकीन को नहीं, तो अल्लाह कहां जलेगा, जहन्नम में, मुशरिकीन तो जहन्नम में सड़ेंगे ना। और कुरान क्या कहता है, इन नमल मुशरिकून नजिस, तमाम मुशरिकीन नजिस हैं, तो अल्लाह मियां खुद नजिस हुए। भाई मैं तो नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, भाई आना है तो कुरान को झुटलाओ, मेरे को ना झुटलाओ। अल्लाह ने सबसे पहला बुत बनाया और वो आदम का बुत था, और उस बुत में रूह फूंक के लोगों का सजदा कर दो। मैं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, ओके। थोड़ा सा हम देखते हैं, एक किताब है, इसका नाम है किस्सासुल अंबिया, किस्सासुल अंबिया, किस्सासुल अंबिया। मोमिन डरते हैं ना मेरे भाई, मोमिन डरते हैं, उनकी फूक निकलती है, उनको पता है यहाँ पे आएंगे मर जाएंगे, रुल जाएंगे, उनका काम तमाम हो जाएगा, उनके पास अंब का नॉलेज नहीं है, मेरे पास, मैं जो कुछ बोलता हूँ दिखा के बोलता हूँ, दिखा के पढ़ के बोलता हूँ, इन सब लोगों को झुटलाना पड़ेगा, उन्हें इनको झूठा काफिर कहना पड़ेगा। इब्ने कतीर 700-774 हिजरी में लिखते हैं, इमाम इब्ने कतीर लिखते हैं किस्सासुल अंबिया के अंदर, ये किस्सासुल अंबिया की अंग्रेजी की ट्रांसलेशन है, इसके अंदर आपको तमाम प्रॉफिट्स की स्टोरीज मिलेंगी, ठीक है। प्रॉफिट आदम, अब आदम भी प्रॉफिट, अब आदम किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ भाई, आदम प्रॉफिट किसके ऊपर, हेलो आदम नबी है किस पे, आदम हवा के ऊपर प्रॉफिट है, ये अपने बच्चों के ऊपर प्रॉफिट, आदम प्रॉफिट है किस पे भाई, ये तो बता दो, अपने बच्चों पे, ये कौन सी प्रॉफिट हो गई, तो आदम प्रॉफिट भी है,
ठीक है जी। नरेंद्र मोदी जी मेरे लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी मैं आपको नहीं ले सकता, सॉरी, आप तो वैसे हिंदू हैं, मैं आपको कैसे ले लूं। नरेंद्र मोदी जी आ गए मेरी लाइव स्ट्रीम में यार, हिंदुओं को तो मैं लाइव स्ट्रीम में वैसे ही नहीं लेता। एंड में लेंगे यार, आपसे गपशप लगाएंगे, पहले अभी हम मोमिनों के लिए जगह है, मोमिनों के लिए। तो मोदी जी से इजाजत है कि मोदी जी मेरे इस लाइव स्ट्रीम में मत आइए, अभी आपको बाद में मौका दिया जाएगा। पता है मुझे आप बड़ा अच्छे तरीके से इंडिया चला रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे काम शाम होंगे, अभी आप वो करें और पहले इस्लाम को सीख लें, क्योंकि आप भी इस्लाम वालों को काफी सहायता कर रहे हैं, तो इतनी सहायता कर रहे हैं तो आप भी सीखें इस्लाम क्या है। तो हाँ, चलें जी, वापस चले गए, मोदी जी चले गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ यार। हमारे पास आए थे वो नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो असली वाले नहीं थे, इसलिए मैंने कहा चले कोई बात नहीं। ये तो एनी हाउ, वापस आते हैं अपनी बातों के ऊपर। अब प्रॉफिट आदम भी प्रॉफिट है जी, किस चीज के प्रॉफिट जी, कौन से प्रॉफिट जी? मेरी स्ट्रीम का लिंक लोगों ने लगता शेयर नहीं किया सब जगह अभी तक, अभी इतने लोग नहीं आए हुए, कितने लोग कहाँ गए हैं। सारे लोगों को शेयर करें जी स्ट्रीम का लिंक, लोगों को शेयर करें, लोगों को बुलाएं, और बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग ही हैं जो सब जगह पे इन स्ट्रीम्स को फैलाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। तो उसके अलावा फिर प्रॉफिट अदरीस है, नोहा है, हूद है, साले हैं, इब्राहिम है, इस्माइल है, इसहाक है, यकूब है, और पता नहीं कौन 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 से प्रॉफिट पे प्रॉफिट है। हमारे साथ भट्टी साहब आ गए हैं, तो जी भट्टी साहब देखते हैं अगर मोमिन है। भट्टी साहब क्या हाल है आप? सर ठीक ठाक, भट्टी साहब यूट्यूब बंद करें जी, क्या कह रहे हैं? यूट्यूब बंद करें, यूट्यूब यूट्यूब में कहां से बंद करना है अभी, ये इसकी सेटिंग में जाऊं? सर आप यूट्यूब ही चला रहे हैं, सर आप मोमिन है कि नहीं है? ओके भाई साहब चले गए हैं, पटी साहब चले गए हैं जी, ठीक है। पटी साहब, पटी वैसे यूजुअली मोमिन ही होते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड कर लिया था। अब इन्होंने मुझे एडम भाई कह दिया तो मुझे शक हो गया, पता नहीं मोमिन है कि नहीं है। तो यार नॉन मोमिन ना जुड़े, मोमिन ही जुड़े। तो जनाब ये सारे प्रॉफिटों की बातचीत हो रही है, हम यहाँ से एडम प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है। मैं भी एक प्रॉफिट हूँ जी, आदम भी प्रॉफिट है किसके ऊपर पता नहीं आए हाय हाय हाय। तो अच्छा जी, प्रॉफिट आदम, अब अल्लाह मियां प्रॉफिट आदम के बारे में क्या क्या बता रहे हैं जरा देखिएगा। मेरे आगे तो फरिश्तों ने भी सजदा किया हुआ आए हुए आदम जी प्रेजेंट के हिटलर जैसे हो। नाऊजुबिल्ला भाई, हेलो राम प्रकाश शर्मा जी, क्यों मुझे बुरा बना रहे हैं यार? हिटलर तो लोगों का कत्लो कताल करता था यार, मुझे हिटलर की बना दिया भाई। हेलो, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे हाथ जुड़े हैं भाई, तुम्हारी मेहरबानी। प्रकाश शर्मा जी ऐसी बातें ना करो, लोग कत्ल करने तुल जाएंगे, आगे कितने लोग कत्ल करना चाह रहे हैं, आप भी कत्ल करवाए मेरे को, हिटलर बनाए जाके, हद हो गई। राम प्रकाश शर्मा जी ऐसे तो ना करें, शर्मा जी गलत बात कर रहे हैं। आपके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, एक फिल्म बना दूंगा राम प्रकाश शर्मा जी के ऊपर डायरेक्ट ही। तो तो जनाब ये देखें ना, ये देखें कितना अच्छा मैसेज आया। ये कह रहे हैं जी एडम फरिश्ते से भी फिर हाथ लगवाए हैं। नाउज़ बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बी वतूबु अलैह। भाई हेलो, कौन सा भाई सजदा किया उसने, हाथ नहीं लगाए। हेलो, हाथ नहीं लगवाते हम किसी को। नाउज़ बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वतूबु अलैह। तो ये जनाब प्रॉफिट आदम के बारे में अल्लाह मियां कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। पहले कुरान की आयात उन्होंने बयान की है सारी, ये सिर्फ कुरान की आयात है, इटैलिसाइज़ फ़ॉन्ट के अंदर कुरान की आयात। ये चैप्टर नंबर 20 की आयत नंबर 30 से लेके 29 तक 9 आयतें इन्होंने यहाँ पे पहले प्रेजेंट की। ये प्रेजेंट करने के बाद अल्लाह ऑलमाइटी ऑल्सो रिवील्ड कुछ और आयात आदम के बारे में बताई कि क्ले से बनाया वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ बनाया। हम जनाब अब इनको इनसे पूछते हैं कि जी अल्लाह ने किया गया ये, अब हमें बताएंगे कि अल्लाह ने क्या किया। ये कहते हैं अल्लाह की बात को बता रहे हैं, वी इमेजिन व्हेन अल्लाह द अलमाइटी डिसाइडेड टू क्रिएट एडम। जब अल्लाह, हम सोचते हैं कि जब अल्लाह ने आदम को खलक किया, क्रिएट किया, ही एड्रेस्ड हिज एंजल्स एंड टोल्ड देम टू प्रोस्ट्रेट बिफोर हिम। तो हम
अल्लाह ने उसे फरिश्तों को कहा कि आदम के आगे सजदा करो, तो उस वक्त ही डिड नॉट मीन टू आस्क देयर ओपिनियन और टेक देयर एडवाइस। उस वक्त अल्लाह ने उनसे ये नहीं कहा था कि मुझे अपनी एडवाइस दे दो या अपनी ओपिनियन बता दो, फॉर ही इज अबव ऑल दैट, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, लिहाजा उसने जो कहा है वो करना है, बात खत्म। ठीक है, उसने कहा है वो करना है, कोई ओपिनियन नहीं है। अल्लाह एग्जाल्टेड टोल्ड देम ही वाज गोइंग टू क्रिएट अ वाइसराय बेसिकली ऑन द अर्थ हु वुड हैव चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, who would corrupt the earth and shed the earth blood well, this is why the angel said to Allah Almighty, we you will place therein who will make mischief therein and shed blood. ab ye kon keh raha hai, ye to farishte keh rahe hain, farishte keh rahe hain ki adam aur uske bacche jo hain duniya mein buraiyan karenge, duniya mein buraiyan karenge, bloodshed karenge. theek hai, तो ये तो फरिश्ते, तो फरिश्तों को अल्लाह से ज्यादा पता था, क्योंकि अल्लाह ने कहा तुम नहीं जानते वो बात जो मैं जानता हूं। अल्लाह ने जवाब क्या किया, यू डू नॉट नो व्हाट आई नो, तुम्हें नहीं पता जो मैं जानता हूं। ठीक है, देर आर ओल्ड ट्रेडिशन अबाउट द एंजल बिफोर क्रिएशन ऑफ एडम। तो फरिश्ते जो है वो इसका मतलब है आदम से पहले बने थे, क्योंकि जब अल्लाह ने आदम के सामने फरिश्तों को सजदा करने को कहा तो इसका मतलब है कि फरिश्ते पहले से बने हुए थे। अकॉर्डिंग टू इब्ने कतादा, इट वाज सेड द एंजल्स वर इनफॉर्मड अबाउट द क्रिएशन ऑफ एडम एंड हिज प्रोगेनिसी बाय जिन हु लिव्ड बिफोर एडम। तो जिन भी एडम से पहले के थे, तो जिन भी आदम से पहले बने थे, फरिश्ते भी आदम से पहले बने थे, लेकिन यहां पर तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा है कि आदम के सामने सजदा करो, जिन्हों को तो कहा नहीं। वसीम साहब आया जी हमारे साथ, जनाब वेलकम वसीम साहब, क्या हाल है आपके? हाल तो बहुत ठीक चल रहा है, आपका बताओ? मेरा भी ठीक चल रहा है सर। आप मुसलमान हैं सर? जी 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 सर। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे कुन फयकून के ऊपर? तो जी अरे चले भी गए, बस बस इतनी सी बात थी। ओके आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब्दुल्लाह इब्न उमर सेड दैट जिन हैज एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 2000 इयर्स बिफोर एडम। तो जिन जो हैं, जो कि अल्लाह ने आग से बनाए थे, जिस आग में धुआं नहीं है, अल्लाह ने जिन बनाए थे उस आग से जिस आग में धुआं नहीं है, स्मोकलेस फायर। ये भी आपको कुरान से दिखाएंगे, अभी जरा हम यहाँ पे देख ले थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, एंड दीज जिन्स शेड ब्लड, देयरफॉर अल्लाह सेंट ऑन देम आर्मी ऑफ एंजल्स दैट ड्रोव देम आउट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ सीज। सो जिन जो है, जो आग से बनाए थे, वो जमीन में पानियों के अंदर कत्लो कताल करते थे, लड़ाइयां करते थे, तो अल्लाह ने फरिश्तों की फौज भेजी, फरिश्तों जाओ जमीन पे, जिन्नों के साथ लड़ाई करो और जिन्नों को जमीन से निकाल दो, अब मैं आदम को भेजने वाला हूं। जनाब हमारे साथ एक और भाई आए, यसूद अल्लाह, जनाब हेलो करें जरा, और चले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिन्नों की लड़ाई होती थी पहले, हजरत आदम की क्रिएशन से पहले। मैं नहीं कह रहा सर, ये बता रहे हैं, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। ठीक है जी, कौन फयाकून की तरह है भाई, फरिश्ता फरिश्ते बनाए अल्लाह ने नूर से, जिन बनाए अल्लाह ने आग से, हमारे यार। अच्छा चलो चलो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले देख ले कि आदम किस तरह बनाया ना, पहले ये देख ले आदम किस तरह बनाया, ताकि पता लगे कि आदम कौन फयाकून से नहीं बनाया। ठीक है ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं इधर। ठीक है, पांच दफे। ठीक है, इब्ने मसूद एंड अदर कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सेड दैट अल्लाह अलमाइटी सेंट जिब्राइल ऑन टू अर्थ। अल्लाह ने जिब्राइल को अर्थ पे भेजा कि जाओ मट्टी लेके आओ। क्यों? अभी मैंने कुरान की आयत क्या पढ़ी कि अल्लाह ने आदम को तखलीक किया है मट्टी से, अल्लाह ने आदम को तखलीक किया है मट्टी से, तो अल्लाह को मट्टी चाहिए, क्योंकि देखिये जन्नत में तो मट्टी नहीं है ना, जन्नत में तो मट्टी आया नहीं,
तो बेसिकली मट्टी अल्लाह ने कहां से लेनी थी, जमीन से लेनी थी, तो अल्लाह ने जमीन बनाई फिर जमीन से मट्टी मंगवाई, मट्टी किसके मंगवाई, मट्टी मंगवाने के लिए फरिश्ता भेजा, कौन सा फरिश्ता भेजा, जिब्राइल भेजा, ऑन टू अर्थ सेड अल्लाह अलमाइटी सेंट जिब्राइल ऑन टू अर्थ टू गेट व्हाट हिम क्ले, ताकि वो अल्लाह के लिए मट्टी ला ले आए,